अभी तक कोई मैच हारी नहीं है, चार मैच लगातार जीत कर आ रही है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सोर सेना जो बेहतरीन टीम है, पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन था सोर सेना का। एक ये आज का पांचवा मैच। नहीं नहीं मेरे को नहीं जमता है सर। आओ हमारे, आओ आओ सर जी, आवाज बढ़ गई क्या? ऊपर से ठंडी है इसलिए, और ठंडे में भी होता है ये ना, जाओ एक चाय पे तुम ये ग्लूकोंडी ना गरम वाला ग्लूकोंडी पीने का, जबकि सर राज में छोटा ही चाय मिलता है। कैसे है सर? गली गली में शोर है, भाई का डोर है। एक चाय पे इतना पावर है, लेकिन मोदी जी का तो नहीं है, मोदी जी का चाय तो नहीं है। साढ़े छह बजे आएगा, साढ़े छह बजे आया, मॉर्निंग से मॉर्निंग से जो भी मीटिंग था उसके प्रोजेक्ट था उसके ऊपर बैठे चार आप हाँ तो बस फिर क्या टेंशन। अरे तो मारे गजब बात कर रहे हो यार, मेहनत चाय के लिए कर रहे हैं। तो मैच की शुरुआत होती हुई सूर सेना ने, हाँ रेडी ना शंकर, टाइट रहो, ये ऊर्जा रहे, ऐसा ना लगे गलती मैच है। सूर सेना की तरफ से कोई एक खिलाड़ी आ जाए, सूर सेना अमित और जैनित, स्ट्राइक पे कौन? प्रतीक, प्रतीक स्ट्राइक पे जैनित, कुणाल, प्रतीक है स्ट्राइक पर। पहली गेंद पंच किया है पॉइंट की तरफ, एक रन। जैनित और प्रतीक, आपको बता दे पिछले सीजन में सूर सेना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, और वही इस सीजन में आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके थे। गेंद पूरी तरह से हाथ में आई नहीं, तो बचे हैं कुणाल की अगली गेंद। गेंद घूमी, पूरी तरह से बीट हुए जैनित, अगली गेंद और शुरुआत हो गई है सूर सेना की। सात रन, कुणाल गेंद को खिलाया, बेहतरीन शॉट, लेकिन तेजस ने रन बचाए हैं। अगर योगी से गेंद छूटी तो तेजस दीवार की तरह खड़े, रन को बचाया, स्कोर जा पहुंचा आठ रन। प्रतीक को अगली गेंद, गेंद को खिला है, वहां पर साहिल है, गेंद आगे गिर गई, नौ रन। दो टीमें, बेहतरीन टीम बीडीवी स्टार वॉरियर्स और सूर सेना, पहले सीजन की विजेता बीडीवी स्टार वॉरियर, दूसरा सीजन जीता था स्टेलर इंडियन, तीसरा सीजन चल रहा है भारत डायमंड बोर्स के इस प्रांगण में। ओमकार गेंद घूमी, आगे निकल आए हैं, गलत थ्रो और रन आउट, पहुंच नहीं पाए, सीधा थ्रो लगा। गलत फहमी पहले दो गेंद में दिख चुकी थी, उसमें बचे थे प्रतीक, लेकिन बीडी स्टार के खिलाड़ियों ने ये मौका नहीं गंवाना चाहा, विकेट ले ही लिया, लिया चाहे रन आउट में ही, लेकिन विकेट तो मिला। मैं ओमकार, प्रतीक को वाइड बॉल, उमंग, उमंग है कोई कैप्टन है, कौन कैप्टन, कैप्टन उमंग। अगली गेंद,
और ये कैच। बीडीवी स्टार वॉरियर्स के खिलाड़ी पिछला मैच जो खेला था एक समय लग रहा था कि हाथ से निकल चुका है, लेकिन वहां से मैच को जीता। अब आए हैं बैट्समैन नेम जिमी। जिमी ओमकार की अगली गेंद, स्कोर है 10 रन। पैरों पर गेंद थी और अंपायर का इशारा, रन आउट। कैप्टन भी रन आउट हो गए हैं। अमित अपने टीम को कैसा क्षेत्रक्षण सिखाते हैं कि दो रन आउट ले लिए हैं। तो अब आए हैं जिमी के बाद निशित। निशित आए हैं जिमी के बाद। जिमी नॉन स्ट्राइक पर, उमंग रन आउट हो गए। बहुत महंगा पड़ता है रन आउट। और बैट्समैन ये इसी बीच ग्लांस किया लेग साइड में, एक रन। रन आउट होना कितना तकलीफ देता है कि बैट्समैन सोचता हमने बल्ले से तो कुछ किया नहीं पाया, हमें मौका ही नहीं मिल पाया, दुखद होता है। फिलहाल बीडीवी के लिए सब कुछ ठीक। बीडीवी स्टार वॉरियर्स ने एक दबाव बना ही दिया। टॉस हारने के बाद क्षेत्रक्षण कर रही है और वहां पर बैट से गेंद लगी थी। ओवर की समाप्ति, स्कोर है मात्र 11 रन 3 विकेट। बीडीवी स्टार वॉरियर्स पिछला मैच, आज इनका तीसरा मैच है, दो मैच जीते हैं आज, पिछले दो मैच जीते हैं, 4 मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं। अमित कैप्टन है, अमित मात्रे राउंड द विकेट निशित को। अंपायर का इशारा वाइट। अमित की अगली गेंद निशित को और वहां पर एक रन लिया है दौड़कर, 13 रन। ये आज का छठा दिन, पांचवा मैच, रात्रि के 8 बज चुके हैं, मैच चल रहा है। एक रन और 14 रन। पिछला मैच जो खेला गया 151 रन बने और इस समय मैच बदल गया है, पिच बदल गई है, अभी तक मात्र 14 रन है। और ये स्ट्राइक पे निशित है, जिमी और निशित। अगली गेंद अमित की निशित को, क्या बॉलिंग की है, एक दोनों पैरों के बीच से गेंद निकली है, तो आप समझ सकते हैं अमित मात्रे ने कितना अभ्यास किया है गेंदबाजी का। ऐसे ही कैप्टन नहीं है, पहला सीजन जिता चुके हैं बीडीवी स्टार वॉरियर्स को। और सीधी गेंद रही, मात्र 3 रन आए हैं अमित के गेंद इस ओवर से। अगली गेंद साहिल की और बल्ले पे आ नहीं रही है। जिमी निशित है, मैच में बदलाव आता है। और गेंद को खेला है ऑन साइड पर। बदलेगा, समय बदलेगा, कड़ी परीक्षा ली है बीडीबी स्टार वॉरियर्स ने सूरसेना का।
और ये सिक्सर, बैट चेंज करने के बाद, बल्ला चेंज करने के बाद सिक्सर आया है। ये ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा बनाकर रखनी होगी निशीत को। और ये ब्लॉक होल, स्कोर है 21 रन, निशीत है स्ट्राइक पर, पंजिया है ऑन साइड पर, एक रन और स्कोर जा पहुंचा 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। साहिल जिमी ने भी बल्ला बदला है, तो आने वाला है सिक्सर। बीट हुए हैं, नॉट आउट। स्कोर है 22 रन, रचिता अब आए हैं, तेजस। तेजस पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, सब कुछ उनके उनके पक्ष में है, विकेट गिरे हैं, रन बने नहीं हैं। और ये गेंद को खेला है, एक रन, एक रन मात्र, एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। उसको है 23 रन, 24 रन, पांचवें ओवर गेंदबाजी जारी है। इसी मैच के पहले 151 रन बने थे। और 30 रन, 30 रन, ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी सौर सेना के खिलाड़ियों को। थैंक यू। और गेंद लगी है, 30 रन, निशीत जिमी काफी देर से टिके हैं, उम्मीद है आएंगे रन, एक रन, 31 रन, पांचवी ओवर की दवाई जारी है। तेजस निशीत को फुल टॉस गेंद और आउट। पूजन, पूजन, पूजन को जानते हैं, उन्होंने दूसरे सीजन में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। उम्मीद रहेगी कि आने वाले जितने भी गेंद बचे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बने, एक सम्मानजनक स्कोर मिले, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करने का पूरा मौका मिले। फुल टॉस के रन बना ही दिया, ये अंतिम ओवर है, स्कोर है 37 रन। क्या यहां से 10-20 रन अगर बन जाते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर मिल जाएगा सौर सेना को। बीडीवी स्टार वॉरियर्स ने तो लगाम लगा के रखा है। अमित कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, सुजीत आए हैं सामने और गेंद गई है ऑन साइड पर, एक रन। पूजन होंगे स्ट्राइक पर, जिमी नॉन स्ट्राइक पर, सुजीत की अगली गेंद और अड़तीस रन पर पांचवा विकेट। क्या टॉस, अब आए हैं बैट्समैन नेम डिपेन है, सुजीत की अगली गेंद, गेंद को खिलाया ऑन साइड पर, एक रन, 39 रन। लेकिन दर्शक जानते हैं जब कम रन बनता है तो मैच और भी रोमांच होता है। आउट, आउट।
की अंतिम विकेट। दो गेंद शेष है, ज्यादा से ज्यादा 12 रन, कम से कम 2 रन बनाना तो चाहेगी ही। 39 रन हुए हैं, क्या 45-46 रन बनेंगे? टीमों ने मैच जीती है अगर 45 रन बनाए हैं तब भी। बोल्ड, एक गेंद शेष रहते ही बोल्ड हो गए। डीडीबी स्टार वॉरियर्स ने ऑल आउट किया है सोरसेना को। गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, दो रन आउट, क्या उपांगे पड़ गए। कैप्टन रन आउट हुए थे उमंग। तो 40 रन चाहिए। जो भी दर्शक हमें देरी से सुन रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये पांचवा मैच है, 4 मैच आज खेले गए, आज छठा दिन है, सीजन तीसरा है। पहला और दूसरा सीजन बहुत अच्छा हुआ। ये स्पोर्ट्स फाउंडेशन, बीडीबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अंतर्गत है। यहाँ पर वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और आपको बता दें कि पैडल कोर्ट जो कि लोअर बेसमेंट में, उसका भी उद्घाटन अमीर हुसैन लोन जो जम्मू कश्मीर के पारा क्रिकेट के कैप्टन है, वो भी आए थे, जिनके दोनों हाथ नहीं है, वो आकर उद्घाटन किए थे। चौके छक्के लग रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं, कोई टीम प्रेशर झेल पा रही है, कोई नहीं झेल पा रही है। कहीं 151 रन 6 ओवरों में 151 रन बन जा रहे हैं, कोई टीम 8 रन पे ऑल आउट हो जा रही है। अब ये मैच, वर्तमान का जो मैच है, इस मैच में चाहिए 40 रन। कुणाल और साहिल, उमंग आए कैप्टन, खुद जिम्मेदारी लिए हैं पहले ओवर की। 8 रन पे टीम ऑल आउट भी हुई है, तो यहां से है मैच बनी है। गेंद घूमी, 1 रन, खाता खुला कुणाल का, खाता खुला बीडीबी स्टार का। उमंग चाहेंगे 1-2 विकेट निकालें, दबाव में लाएं, मैच होगा रोमांचक। दूसरा रन, सिंगल सिंगल कैच की मांग थी, निश्चित है फील्डिंग पर, वहां पर लेग साइड पे उमंग की अगली गेंद। और इंतजार किया, ये इंतजार लक्ष्मण करते थे जो कि अभी नहीं खेल रहे हैं, कुणाल ने उनकी याद दिलाई। और चारों खाने चित्त, इसी को कहते हैं चारों खाने चित्त। उमंग ने पहले ओवर में गेंदबाजी से अभी तक अच्छी, वाइट बॉल, 4 रन हुए हैं, 1 रन और, 5 रन, तो मिला जुलाकर अभी तक सोरसेना के गेंदबाजी अच्छी और खेलते हुए दौड़ लिया। 6 रन, 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन चाहिए, 40 रन, तो 7 रन प्रति ओवर की दर से बनाने हैं। विकेट नहीं गिरे हैं, विकेट निकालना होगा निश्चित। मिसित कुणाल को, और गेंद लगी थी, गेंद लगी थी। ये है मैच, जितने भी दर्शक रुके हैं मैच को देखने के लिए, देख कर जाइए, क्योंकि ऐसा मैच फिर नहीं देखने को मिलता। जब कम रन बनते हैं तो वो भी मैच कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर का मैच होता है, लेकिन सब यहां पर यंग है। निशीत की अगली गेंद ऑन साइड पर, 1 रन, स्कोर जा पहुंचा 8 रन। धीरे धीरे
40 रन है, ज्यादा रन है नहीं, लेकिन जिस तरह बॉलिंग की जा रही है सोर सेना की तरफ से, फुल टॉस गेंद और फायदा उठा ही लिया, 12 रन। दूसरे ओवर गेंदबाजी जारी है, विकेट निकालना होगा, गेंद हवा में थी कुछ देर के लिए, अगली गेंद सीधा से ड्राइव और वहां पे ओवर थ्रो, लेकिन दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे। दो ओवर की समाप्ति पर 14 रन, जो रन रेट चाहिए वही रन रेट से रन बन रहा है, अच्छी बात बिडबिक ये है कि विकेट नहीं गिरे हैं, जैनित आए हैं, रन आउट होकर गए थे, 26 रन चाहिए 24 बॉल पर, फुल टॉस गए थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, विकेट मिल ही गया, जिस तरह रन आउट हुए थे सूर सेना में, उस तरह रन आउट हुए हैं डीडी स्टार में, अभी तक सभी दर्शक अगर गुणा गणित करना चाहें तो कर सकते हैं कि 50-50% दोनों टीमें बराबरी पर हैं। अगर विकेट निकालती है सूर सेना तो प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो एक अच्छा मैच चलता हुआ इस ग्राउंड पर, फुल टॉस और छक्का, सिक्सर, हमारे स्कोरर ने बोला कि ये 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 20 रन। दोनों ही अंपायर आपस में, अंपायर बीस रन, दूसरा नई गेंद, हर इनिंग एक नई गेंद से खेली जाती है, ये उसकी जगह पे तो 20 रन, 20 गेंद 20 रन, यहां से भी बॉल 22 गेंद 20 रन, और फील्डिंग अच्छी थी, 4 रन है 4 रन है। विकेट निकालना ही होगा। अगली गेंद और ये सिक्सर, 34 योगी तो योगी हो गए हैं, 36 रन, और बहुत ही आसानी के साथ 6 विकेट से इस मैच को विजयी स्टार वॉरियर्स ने जीत लिया है, मात्र 3 ओवरों में। मैच के मैन ऑफ द मैच है सुजीत, 5 गेंद सिर्फ फेंके हैं, 3 विकेट, पवन सर और बड़े सर से अनुरोध है कि दोनों लोग दीजिए ना एक बार, अभी सर आगे